चंबल इलाके में कन्या भ्रूण हत्या लिंगानुपात को लेकर पूरे देश में बदनाम चंबल के मुरैना जिले की छवि अब यहां जन्मी महिलाएं ही बदल रही है। अपने हुनर से आधुनिक खेती किसानी के सपने साकार कर रही जिले की दो ड्रोन दीदियों का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से सम्मान करेंगे। 15 अगस्त को आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में इन दोनों महिलाओं को सम्मानित किया गया। सम्मान के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों महिलाओं से मिले और उनसे चर्चा भी की। दोनों ही महिलाएं मुरैना जिले के किसानों के लिए वरदान साबित हुई है और खेती किसानी करने वाले किसानों को ड्रोन के माध्यम से कीटनाशक दवा छिड़कने में सहयोग कर रही है। ड्रोन दीदी के रूप में पहचाने जाने वाले केलारस की सुनीता शर्मा और मुरैना ब्लॉक की खुशबू लोधी को जब कृषि विभाग के अफसरों ने सूचना दी कि 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से उनका सम्मान करेंगे तो दोनों भौंकच्ची रह गई। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जिला पंचायत के सीईओ इच्छित घड़पाले ने दोनों महिलाओं को सूचना दी और उनसे मुलाकात की है। ड्रोन के जरिए स्वयं सहायता समूह की आय बढ़ाने का इनोवेशन करने वाली जिले की दोनों ड्रोन दीदी 15 अगस्त को दिल्ली में प्रधानमंत्री के हाथों से सम्मानित हुई है। वहीं दोनों महिलाएं 12 अगस्त को ग्वालियर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी और चंबल इलाके की दोनों महिलाओं ने बताया कि उन्हें अपने आप में गर्व महसूस हो रहा है कि वे चंबल की बेटी है और अब दिल्ली के लाल किले पर देश के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होगी। वहीं जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर इच्छित घड़पाले ने क्या कुछ कहा सुनिए। सर, इसकी ट्रेनिंग मैंने MITS कॉलेज ग्वालियर में ली थी और इससे एक तो पानी की बचत होती है और दूसरी जो व्यक्ति छिड़काव करते हैं ना पिट्टू वाली टंकी से तो उसे सांप बाप भी काट जाते हैं, दवाई का भी उसके असर जाता है तो बीमार पड़ जाते हैं, इससे भी बचाव होता है और कम समय में ज्यादा खेती का छिड़काव होता है। अब बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं पहली बार दिल्ली जा रही हूँ और मोदी जी से मिलूंगी, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि उनसे मुलाकात हो पाएगी कि नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। अब मुरैना या चंबल के लिए हम बात करें तो महिलाओं के क्षेत्र में, खासकर स्वसहायता समूह की महिलाओं के क्षेत्र में दशा और दिशा दोनों ही बदल रही है। महिलाएँ आत्मनिर्भर बन रही है और जो सबसे अभी यदि हम बात करें नई बात कि महिलाएं अन्य समूह से जुड़ के और विभिन्न उत्पाद बना रही है वो एक अलग बात है, उससे आत्मनिर्भर बन रही है। लेकिन आत्मनिर्भर बनने का एक नया जो हम बताएंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच थी कि ड्रोन दीदी, तो उसी तरीके से हमारे यहाँ दो दीदियों ने ट्रेनिंग ली है, एक ने इलाहाबाद में और एक ने जो है MITS ग्वालियर में ट्रेनिंग ली है। एक सुनीता दीदी है और एक खुशबू दीदी है, दोनों जो है ट्रेनिंग लेके और ड्रोन दीदी बनी है और माननीय प्रधानमंत्री जी जो है 15 अगस्त को आज वो दिल्ली पहुंच गई है और 15 अगस्त के कार्यक्रम में भी वो सम्मिलित होंगी। निश्चित रूप से जो 15 अगस्त की परेड के समय जो है इनके लिए जैसे कि जानकारी प्राप्त हुई है एक अलग जो है बिठाने की व्यवस्था की गई है, अलग तरीके से इन्हें सम्मानित किया जाएगा, मिलाया जाएगा। तो निश्चित रूप से जो है, और यदि मैं कहूँ कि जैसा कि आपने बोला मुरैना और चंबल के परिप्रेक्ष्य में, यह दोनों दीदियां मॉडल के रूप में बन के उभरेगी, आत्मनिर्भर बनेगी, अन्य दीदियों को प्रेरणा देगी। सर, किसानों को देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि ड्रोन दीदी जो है ये किसानों के ही खेत में जो है, और जिस तरीके से बीमारियां लगती है, जिस तरीके से जो है छिड़काव किया जाता है, तो ये किसानों को तो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि कम समय में और पूरे खेत में छिड़काव हो जाया करेगा, विभिन्न तरीके के उत्पादों और उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, तो इससे किसान जो है सीधे सीधे लाभान्वित होगा। मुरैना से नरेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।